हे गाइस, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों से अर्थिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये अर्थिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर किसी भी इक्विपमेंट के पास जाके वर्क कर रहे हो तो सबसे पहले आपको प्रॉपरली उसका अर्थिंग को चेक करना है। तो गाइस, आखिर ये अर्थिंग क्या है और इसके कितने मेथड्स हैं और आखिर ये किस तरह से काम करती है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है आपको बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। गाइस, सेफ्टी के तौर पर आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, आप किसी भी इक्विपमेंट में काम कर रहे हो, चाहे वो हमारा ट्रांसफार्मर हो या फिर मोटर हो, जनरेटर हो, यानी कि इलेक्ट्रिकल के कोई भी इक्विपमेंट में अगर आप काम कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको सेफ्टी के तौर पर आपको चेक करना है कि उसका जो अर्थिंग है वो प्रॉपरली है या नहीं। अगर वो नहीं है तो सबसे पहले आप उसे जो है करिए, या फिर उसे एक बार चेक कर लीजिए कि प्रॉपर जो है मेरा जो फेस का जो करंट है वो अर्थ हो रहा है कि नहीं। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये अर्थिंग क्या है। तो गाइस, एक बात याद रखिए कि जो भी अर्थिंग है, ये अर्थिंग जो है एक रेफरेंस पाथ है जिसके थ्रू करंट जो है फ्लो करती है। तो गाइस, आखिर हम लोग अर्थिंग करते क्यों हैं? सपोज़ मान लीजिए कि आप किसी मोटर के पास वर्क कर रहे हो और उस टाइम अगर उसमें अर्थिंग नहीं है और किसी भी कारण से अगर उस मोटर का कोई भी फेज अगर कट हो जाता है और वो फेज अगर उसके बॉडी के साथ टच होता है और आप अगर उस मोटर को टच करते हो तो आप जो है उस जगह में घायल हो सकते हो। अब इस चीज़ को जो है अवॉइड करने के लिए हम लोग जो है अर्थिंग का यूज़ करते हैं गाइस, क्योंकि जब हम अर्थिंग कर देंगे तो वो जो है एक लो रिलक्टेंस पाथ बन जाता है जिसके थ्रू क्या होता है, अगर मोटर का बॉडी शॉर्ट हो जाता है तो उस टाइम में उस मोटर से जो करंट है, जो करंट उस फेज पर फ्लो हो रहा है, उस फेज का करंट जो है हमारा अर्थिंग के थ्रू जो है ग्राउंड में चली जाती है। इंडस्ट्री में जो भी अर्थिंग है, जब आप उसे उसका वैल्यू चेक करोगे, यानी कि रेजिस्टेंस 5 से जो है कम आना चाहिए। अगर आपका अर्थिंग का वैल्यू 5 से ज़्यादा आता है तो आपका जो अर्थिंग है वो उतना अच्छा नहीं है। इसके लिए आपको जो है उसमें चारकोल और नमक जो है वगैरह डालना पड़ेगा, जिससे जो है वो बेटर आ सकता है। अब गाइस, बात करते हैं कि ये अर्थिंग आखिर कितने टाइप के होते हैं। तो गाइस, इसके 3-4 मेथड्स है। सबसे पहला जो है वो है वायर अर्थिंग, जो कि बहुत कॉमन है और हर किसी के घर में जो है ये वायर अर्थिंग जो है यूज़ में आता है। इसके बाद जो इंडस्ट्रियल में जो भी अर्थिंग का यूज़ किया जाता है, इसमें रॉड अर्थिंग और ब्लेड अर्थिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो गाइस, ये जो भी मैंने बातें बताई है ये सारे अर्थिंग से रिलेटेड है। और मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि क्या आपके घर में कौन सा अर्थिंग लगा हुआ है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका जवाब दें। और गाइस, मैं जो है सोशल मीडिया में भी हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ का लिंक दिया हुआ है। मेरा FB का ग्रुप है, खुद का FB का पेजेस है, आप मुझे उधर आके फॉलो करिए। बहुत से उसमें पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे जिससे आपका नॉलेज जो है बहुत जल्दी इंक्रीज़ होने वाला है। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।